नेक्स्ट एग्जाम आज है 5 अगस्त 2020 और 5 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ई रक्षाबंधन नाम का एक ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। राज्य के लोगों को साइबर अपराध के बारे में जागरूक करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने ये ई रक्षाबंधन नाम का ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया है। अब आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। अच्छा, अभी आंध्र प्रदेश में 3 कैपिटल प्लान को मंजूरी दे दी है आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बिश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, अभी आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए थे। ये जो स्लम एरिया होते हैं वहां पे हाथ धोने की हैबिट डेवलप करने के लिए थे। आंध्र प्रदेश में ही नवरनालू पेदलांदर की कार्यक्रम शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश में ही जगन्ना विद्या दीवेना योजना शुरू हुई और आंध्र प्रदेश में निगा ऐप लॉन्च हुई है और कोविड फार्मा ऐप लॉन्च हुई है। अच्छा, भाषा के आधार पर गड्ढे धोने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भाषा के आधार पर गड्ढे धोने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो आप याद रखिए आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश के 2 नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है, एक पापीकोंडा नेशनल पार्क और दूसरा है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इतना आप आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखिए। आज के वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो अभी गुयाना का नया राष्ट्रपति चुना गया है मोहम्मद इरफान अली को। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये है मोहम्मद इरफान अली और अब इनको गुयाना का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अब ये गुयाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो मैप में कहां पे है गुयाना, ध्यान से देखिए, ये है मैप में गुयाना। गुयाना की कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन। गुयाना की करेंसी क्या है? गुयानीज डॉलर। और अब गुयाना के नए राष्ट्रपति यही चुने गए हैं, मोहम्मद इरफान अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला किया है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को उनके घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में होता क्या है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं जब वो बैंक में जाते हैं या डाकखाने में अपना पैसा निकालने जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है, सेम कंडीशन दिव्यांगों के साथ भी होती है। दिव्यांग भी जब बैंक में जाते हैं या डाकखाने में जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो इनको अब इनका कैश घर पर ही डिलीवर किया जाएगा, ये फैसिलिटी शुरू की है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। सिंपली इनको कॉल करके डाकखाने में या बैंक में बताना है और जितना अमाउंट इनको निकालना है वो अमाउंट इनके घर पर पहुंचाया जाएगा, तो ये नया फैसिलिटी उड़ीसा ने शुरू किया है। अब उड़ीसा ने किया तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है उसके अभी नए चीफ जस्टिस बने थे मोहम्मद रफीक। उड़ीसा में मो जीवन पहल शुरू हुई और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को अभी हीरो 2 एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था पैटा ने, और पैटा क्या है? ये जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है। एक्चुअल में अभी लॉकडाउन के टाइम पर नवीन पटनायक जी ने जानवरों के लिए भी अलग से फंड जारी किया था जिससे कि लॉकडाउन के टाइम पर जानवरों को भी खाना मिलता रहे, इसीलिए पैटा ने हीरो 2 एनिमल अवार्ड से इनको सम्मानित किया है। अच्छा, उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। और चिल्का लेक सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट त्योहार मनाया जाता है उड़ीसा में, उसका नाम है चैत्र यात्रा त्योहार। इसे चैत्र यात्रा उत्सव भी कहते हैं। तो चैत्र यात्रा त्योहार या चैत्र यात्रा उत्सव ये उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में अभी एक दुर्लभ पीले कलर का कछुआ पाया गया था, और इसीलिए मैंने आपको कल बताया था कि उड़ीसा का जो राजकीय पशु है उसका नाम आप याद रखिए। उड़ीसा का राजकीय पशु एक हिरण है, और ये सांबर हिरण है। हिरण की एक कैटेगरी होती है सांबर हिरण। तो सांबर हिरण उड़ीसा का राजकीय पशु है, और उड़ीसा में रज पर्व या रजा पर्व भी मनाया जाता है। रज पर्व भी कहते हैं, रजा पर्व भी कहते हैं। अच्छा, उड़ीसा का पूर्व नाम भी एग्जाम में एक बार पूछा गया था। तो उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कलिंग। और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, और उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इस बार का जो IPL होगा ये IPL का 13वां संस्करण है, और इसका आयोजन इस बार UAE में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। UAE के 3 शहरों में इस बार IPL होगा, एक दुबई, दूसरा अबू धाबी और तीसरा शारजा। इन 3 शहरों में इस बार का IPL होगा, और ये IPL का 13वां संस्करण है। अब UAE में होगा, तो ये है मैप में UAE। UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE करेंसी क्या है? UAE दिरहम। और UAE के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन ज़ियाद अल नहयान। अच्छा, कल मैंने आपको UAE से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। UAE में अभी एक नया एटॉमिक पावर प्लांट बना है, और ये जितने भी अरब देश हैं उनमें पहला देश बन गया है UAE जहां पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना है। तो पहला अरब देशों का परमाणु ऊर्जा संयंत्र UAE में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नुसरत जहीर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो नुसरत जहीर ये एक लेखक थे, और उर्दू भाषा के लेखक थे। अभी इनका निधन हो गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे नुसरत जहीर, ये उर्दू भाषा के एक फेमस लेखक थे, और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, इन्होंने अभी सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, जब भी कोई बुक लॉन्च होती है तो उस बुक का नाम इंपोर्टेंट होता है और उसके राइटर का नाम इंपोर्टेंट होता है। तो ये बुक है सियासत में सदस्यता, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी। तो विजय कुमार चौधरी जी ने यह बुक लिखी है सियासत में सदस्यता। अब बिहार की बात है, तो यह है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन कहां हुआ है? तो अभी महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, और BSNL ने इसका उद्घाटन किया है। BSNL ने इंटरनेट की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में ये भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया। इससे क्या होगा, 25 किलोमीटर के एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन हुआ है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाईकोर्ट है इसके चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है, और 90 गांव नेशनल पार्क है। ये तीनों ही इंपोर्टेंट है। अच्छा, महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक बुक लिखी गई थी, इसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, और इसको लिखा था जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। ये एक जर्नलिस्ट हैं गिरीश कुबेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। तो इतने करंट अफेयर्स अभी महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में अभी प्रोजेक्ट प्लेटिना भी लॉन्च हुआ था। प्रोजेक्ट प्लेटिना ये महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ था। महाराष्ट्र में ही मी अन्नपूर्णा योजना भी चल रही है, और महाराष्ट्र में हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल भी शुरू हुई है। हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप पहल ये भी महाराष्ट्र में शुरू हुई है। और कल के क्विज में मैंने आपको एक महाराष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, लोनार झील कहां पे है? तो लोनार झील भी महाराष्ट्र में है। अब लोनार झील क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इसका जो पानी है वो अभी पिंक कलर का हो गया था, इसीलिए लोनार झील न्यूज में आई थी। तो लोनार झील कहां पे है?
महाराष्ट्र में है। इंस्टाग्राम पे मैं डेली क्विज पोस्ट करता हूं, तो इंस्टाग्राम पे आप क्विज को जरूर अटेम्प्ट किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी की सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को किसने लॉन्च किया है? तो प्रेजेंट टाइम पे एमएसएमई मिनिस्टर है नितिन गडकरी, इन्होंने अभी खादी की सिल्क मास्क उपहार बॉक्स को लॉन्च किया। ये एक सिंपली गिफ्ट बॉक्स है। इसमें क्या है, खादी के अलग अलग कलर के अलग अलग डिजाइन के मास्क हैं, जिनको लोग एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, जिससे कि मास्क का प्रचलन बढ़ जाए। तो नितिन गडकरी ने इसे लॉन्च किया है, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो अभी एचडीएफसी बैंक के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं शशिधर जगदीशन, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं शशिधर जगदीशन, यही अब एचडीएफसी बैंक के नए प्रमुख नियुक्त हो गए हैं। अब एचडीएफसी बैंक के नियुक्त हुए हैं, तो एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में, और अब इसके नए प्रमुख यानी कि सीईओ अपॉइंट हो गए हैं शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फुटबॉलर वनेडिकट होवेट्स ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो वनेडिकट होवेट्स ये जर्मनी के फुटबॉलर हैं और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं वनेडिकट होवेट्स, ये जर्मनी की जो टीम थी जिसने वर्ल्ड कप जीता था उस टीम के हिस्सा थे। 2014 में जब जर्मनी ने वर्ल्ड कप जीता था उस टीम का ये हिस्सा थे और अब इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अब जर्मनी की बात है तो ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है, यूरो। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है, फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दो भाषा के फॉर्मूले को लागू करने का फैसला किया है? तो अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें तीन भाषा का फॉर्मूला है, उसको न अपनाते हुए दो भाषा के फॉर्मूले को अपनाने का फैसला किया है तमिलनाडु ने, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु की बात है तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है, एडप्पडी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, अभी तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने की घोषणा हुई थी, यानी कि हल्दी अनुसंधान संस्थान तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। अभी आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो जूनियर वकील हैं उनको 3,000 रुपए मासिक वजीफा देने की घोषणा की। और अभी गुजरात को पीछे छोड़कर मछली के उत्पादन में टॉप पर पहुंच गया है तमिलनाडु, तो इतना आपको तमिलनाडु के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला किस देश ने किया है? तो अभी अपने देश भारत ने महिलाओं की स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला किया, तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। 15 सितंबर से 20 सितंबर तक ये महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी और मलेशिया में आयोजित की जाएगी। इससे अब हटने का फैसला कर दिया है अपने देश भारत ने, क्योंकि भारत की जो टीम थी उसकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाई, इस वजह से भारतीय टीम ने इसमें शामिल न होने का फैसला किया है। अब स्क्वैश कौन सा गेम होता है, एक्चुअल में आपने टेनिस देखा होगा। टेनिस में क्या होता है, एक रैकेट रहता है और बॉल रहती है, एक तरफ से एक प्लेयर रैकेट से बॉल को मारता है, दूसरी तरफ से दूसरा प्लेयर रैकेट से बॉल को मारता है। लेकिन जो स्क्वैश गेम्स होता है इसमें क्या होता है, एक ही तरफ प्लेयर खड़ा होता है, दूसरी तरफ दीवार होती है, वो रैकेट से अपनी बॉल को मारता है, बॉल दीवार से टकराती है, फिर वापस आती है, फिर प्लेयर अपने रैकेट से बॉल को मारता है, इस तरह का जो गेम होता है उसे स्क्वैश कहते हैं। तो ये विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप थी महिलाओं की और इसमें भारत ने शामिल न होने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1975 से 77 के आपातकाल में जेल में गए लोगों की पेंशन को रोकने की घोषणा की है? तो 1975 से 77 तक जो इमरजेंसी लगी थी उसमें जितने भी लोग जेल गए थे उनको पेंशन मिलती थी, इस पेंशन को रोकने का फैसला किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है और महाराष्ट्र के बारे में अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में COVID-19 प्रभाव और उसकी कवरेज के लिए किसे प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी दीपांकर घोष को COVID-19 के इफेक्ट और इसकी जो कवरेज की है इस वजह से इनको प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं दीपांकर घोष, ये इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार हैं,
इन्होंने अभी कोरोना वायरस के टाइम पे कोविड-19 की बहुत बेहतर कवरेज की और इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है सोसाइटी पर, इन सबको इन्होंने बेहतर तरीके से कवर किया। इसी वजह से इनको प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो अभी जयदीप भटनागर ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये हैं जयदीप भटनागर। ऑल इंडिया रेडियो का जो आकाशवाणी समाचार नाम का प्रभाग है उसके महानिदेशक बन गए हैं जयदीप भटनागर। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सामाजिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो अभी एप्पल सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा, मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे आप क्विज जरूर अटेम्प्ट किया करो। आज किस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज किस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।